15.2.1 मेंडल के प्रयोग और उनका उद्देश्य। मेंडल कोई ऐसा नियम खोजने का प्रयास कर रहे थे जो सामान्य रूप से विषम लक्षणों यानी मटर के पीले और हरे रंग के बीज, बैंगनी और सफेद फूल आदि के अनुवांशिकी के लिए लागू हो सके। साथ ही वह यह भी प्रयास कर रहे थे कि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों में कितनी भिन्नताएं होती है। मेंडल ने इसके लिए पहले तो मधुमक्खियों पर प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन फिर जंतुओं को छोड़कर पौधों पर प्रयोग करने लगे क्योंकि पौधों को संभालना आसान था। अपने प्रयोगों में उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया जिसके लिए ये कारण दिए। पहला, मटर एक वर्षीय पौधा है, जीवन चक्र छोटा होने के कारण उसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। दूसरा, इनमें पर परागण करवाया जा सकता है जिससे संकरण होता है। तीसरा, सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लक्षण शुद्ध बने रहते हैं। चौथा, इसका पौधा द्विलिंगी होता है, यदि इसमें से पुमंग को हटा दिया जाए तो वह एकलिंगी के समान व्यवहार करता है। पांचवा, संकरण से प्राप्त संकर पौधे पूर्णतः जनन योग्य होते हैं। छठवा, मटर में काफी स्पष्ट विपरीत लक्षण कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। मेंडल द्वारा चुने गए मटर के कुछ विपरीत लक्षण सारणी में दिए गए हैं। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए खास व्यवस्था की। वे किसी प्रयोग में पर परागण होने देते थे तो किसी प्रयोग में स्वपरागण। पर परागण से बने बीजों यानी संकर बीजों का अध्ययन अलग से आगे बढ़ाते। हर बार जब बीज बनते तो उन्हें वे गिनते और उनमें से कुछ बीज गिनकर बोते। वे इससे बनने वाले पौधों और उनके गुणों का लेखा जोखा रखते। संकर बीज प्राप्त करने के लिए वे पर परागण ही क्यों कर रहे थे? मेंडल विपरीत लक्षण वाले गुणों का अध्ययन क्यों कर रहे थे? 15.2.2 मेंडल के प्रयोगों के परिणाम। बैंगनी व सफेद फूल वाले पौधों के साथ प्रयोग के संदर्भ में। मटर के कुछ पौधों में बैंगनी फूल लगते हैं और कुछ में सफेद। मेंडल ने सबसे पहले मटर की इन किस्मों के बीजों को बोकर पौधे उगाए। इन पौधों में लगे फूलों में स्वपरागण होने दिया। हर बार फूलों के रंग के आधार पर उन्हें छांट लिया। ऐसा इतनी बार किया कि बैंगनी फूल वाले किस्मों में बैंगनी फूल और सफेद में सफेद मिला। इस प्रकार मेंडल ने स्वपरागण करवाकर ऐसे बैंगनी और सफेद फूल वाले पौधे तैयार कर लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही लक्षण दर्शाते। उन्होंने इन पौधों को शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफेद किस्म माना। इन्हीं किस्मों से मेंडल ने अपना प्रयोग प्रारंभ किया। उन्होंने शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफेद फूल वाले पौधों के बीज बोए और उनमें पर परागण करवाया। इस तरह से जो संकर बीज बने उन्हें बोने पर जो पौधे बने उन सब में बैंगनी फूल लगे। प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन। जरा सोचिए कि बैंगनी और सफेद के बीज का रंग क्यों नहीं बना होगा? मेंडल ने जब इन F1 के बैंगनी फूलों वाले पौधों में स्वपरागण से उत्पन्न बीज बोए तो आश्चर्य हुआ कि अगली पीढ़ी में द्वितीय पीढ़ी F2 जनरेशन सारे पौधों में बैंगनी फूल नहीं लगे। उन्होंने देखा कि 929 पौधों में से 705 पौधों पर बैंगनी फूल लगे और 224 पौधों पर सफेद फूल लगे थे। इसे उन्होंने अनुपात के रूप में देखा तो बैंगनी और सफेद फूल वाले पौधों के बीच का अनुपात 3.15:1 था। मेंडल ने ये प्रयोग अन्य गुणों को लेकर भी किए। दूसरी पीढ़ी में सभी के विपरीत गुणों का अनुपात लगभग 3:1 था। क्या आप जानते हैं मेंडल ने जो प्रयोग किए उनके परिणाम कुछ इस प्रकार थे। मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि दो विपरीत गुणों जैसे फूलों के बैंगनी और सफेद रंग में से एक हावी और दूसरा दब्बू होता है। हावी गुण को प्रभावी डोमिनेंट और दब्बू गुण को उन्होंने अप्रभावी रिसेसिव कहा क्योंकि हावी गुण की उपस्थिति में दूसरे का प्रभाव नजर नहीं आता।
फूल के रंग के मामले में बैंगनी रंग प्रभावी रहता है और सफेद अप्रभावी। जब किसी बीज में बैंगनी और सफेद दोनों कारक हो तो फूल का रंग बैंगनी होता है, क्योंकि बैंगनी रंग सफेद को दबा देता है। सफेद फूल आने के लिए जरूरी है कि कारक शुद्ध सफेद हो। कई पीढ़ियों तक इन प्रयोगों को करने पर हर पीढ़ी में उन्होंने शुद्ध और संकर पौधों की संख्या में एक निश्चित अनुपात पाया।